This program is brought to you by IndianFunkar.com. सुनने और देखने वाले तमाम हजरात को फुरकान आसिफ का आदाब. मैं अभिषेक जी की दावत पर आज इंडियन फनकार की जानिब से आपके सामने हाजिर हूँ. कुछ अशार पेश करूँगा और जो बात बाद में कहनी है वो मैं पहले कह देता हूँ कि देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे. अब यहाँ से चार मिसरे मुलाहिदा फरमाइए. हम गालिब मोमिन की तरह बात करेंगे, हम गालिब मोमिन की तरह बात करेंगे, उर्दू से मोहब्बत की शुरुआत करेंगे, उर्दू से मोहब्बत की शुरुआत करेंगे. शेर मुलाहिज़ा फरमाइए. जो रूठ गए हमसे किसी बात पे आसिफ, जो रूठ गए हमसे किसी बात पे आसिफ, हम उनसे किसी रोज मुलाकात करेंगे, हम उनसे किसी रोज मुलाकात करेंगे. चार मित्रे और मुलाहिज़ा फरमाइए. जब मिले उन से हम एक जमाने के बाद, जब मिले उनसे हम एक जमाने के बाद, फिर वो रोए बहुत मुस्कुराने के बाद, फिर वो रोए बहुत मुस्कुराने के बाद. खास तवज्जो चाहता हूँ ये शेर पे कि कह रही है शिकारी कि मायूसियाँ, कह रही है शिकारी कि मायूसियाँ, कैसे चूका निशाना निशाने के बाद, कैसे चूका निशाना निशाने के बाद. साहब पिछले दिनों मेरा एक्चुअली वतन बनारस है और पिछले दिनों मैं घर गया था और गंगा जी के घाट पे बैठा था, वहाँ पे एक गज़ल कही. दो तीन शेर जहन में आ रहा हूँ तो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब यूँ है कि सबके दिलों पे छा गए गंगा के किनारे, सबके दिलों पे छा गए गंगा के किनारे, सूरत से हम तो आ गए गंगा के किनारे, सूरत से हम तो आ गए गंगा के किनारे. और ये शेर तवज्जो के तालिब है.
बिस्मिल्ला खां की उंगली का जादू सुरों में था, बिस्मिल्ला खां की उंगली का जादू सुरों में था, शहनाई जो बजा गए गंगा के किनारे, शहनाई जो बजा गए गंगा के किनारे। और हिंदू मैथोलॉजी में जो सब्जेक्ट आ रहा है मेरे जहन में, उस पर मैंने ये लाइन लिखी है। ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि मरने के बाद फिक्र थी परलोक की जिन्हें, मरने के बाद फिक्र थी परलोक की जिन्हें, वो लोग मोक्ष पा गए गंगा के किनारे, वो लोग मोक्ष पा गए गंगा के किनारे। अगर आपको ये मेरी शायरी, ये मेरे कुछ चंद शेर चंद अशार पसंद आ गए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।